हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। SSC JEE एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग सब कर रहे हैं और साथ ही साथ फॉर्म फिलअप जो है वो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया है अब शुरू। तो फॉर्म फिलअप करने के दौरान मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ों में अगर डाउट भी आ रहा है तो आप अंदाजे से मत फिलअप करिए। जहाँ पे भी डाउट आया पूछिए, पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए है अवेलेबल। ठीक है, आप SSC में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्होंने भी अपने अपने ईमेल आईडी वगैरह जो है कांटेक्ट करने के लिए, ग्रीवेंसेस के लिए दिया हुआ है, और प्लस साथ में अद्वैत एजुकेशन की भी टीम है, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म एकदम सही तरीके से फिलअप करिए। हालांकि SSC ने एक दिन का एडिशनल विंडो भी दिया हुआ है फॉर करेक्शंस, यानी कि 4 सितंबर का विंडो इन्होंने करेक्शन के लिए अलग से दिया हुआ है कि भाई 2 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलअप की, और 3 सितंबर आपका ऑनलाइन फ़ी पे करने की लास्ट डेट है, और 4th को एक दिन का टाइम दिया हुआ है जिसमें कि आप एडिशनल फीस पे करके आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि उस लेवल तक ही बात ना जाए और आप सही ड्यूरेशन में फॉर्म अपना फिलअप कर लें। इंपॉर्टेंट थिंग ये है, SSC भी ये चीज़ बोलता है और ये बिल्कुल कॉमन सी बात भी है कि कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, कई सारे बच्चे ये कर रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दे रहे हैं और बाकी का स्टेप सर बाद में करेंगे। मैसेज भी आपके पास आ रहा होगा कि भाई 14 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि चलो अभी 14 दिन तो है, बट मैं बता दूं कि लास्ट ड्यूरेशन का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए। SSC के सर्वर्स जो है होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि पूरे इंडिया से लोग फॉर्म भर रहे होते हैं ना, इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे होते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड रहता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आखिरी डेट के करीब करीब में आपको सर्वर का इशू जाएगा। ये पॉसिबल है, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी रहती है इस चीज़ की कि सर्वर का इशू जाने लग जाए। तो उस केओस से बचने के लिए ना कोशिश ये करिए कि आप एक टारगेट डेट लगभग देखिए 25 या 26 के आसपास है ना, अप्रॉक्सीमेटली आप डेट एक फिक्स कर सकते हैं अपने माइंड में कि अराउंड 25th of August या फिर 27th of August तक आप कर लीजिए अपना फॉर्म फिलअप, सारे स्टेप्स उसके कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा हुआ है ना तो वो मत कर, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप का स्टेप है ना, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लीजिए इस ड्यूरेशन में, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, बहुत केओस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सर्वर इशू जाने लग जाएगा और फिर आखिरी में आप वेट करेंगे तो दिक्कत जाएगी। सेम ऐसे ही कंडीशन 4 तारीख को भी होगा। ठीक है, 4 को भी एक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि करेक्शन बहुत सारे लोग करवाते हैं, बहुत सारों का कुछ कुछ इशू रहता है, कभी फोटो उल्टा अपलोड हो गया, कभी सिग्नेचर जो है वो सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप फॉर्म फिलअप बिल्कुल सावधानी से करिए। जब फॉर्म फिलअप करना है तो टाइम के अंदर कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 25th और 27th का जो डेट है कोशिश करिए कि इसी दौरान फॉर्म फिलअप कर लीजिए। हालांकि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कि फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे टाइम है आपके पास। ठीक है, टाइम जो है यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2nd of September, और 3rd जो है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग द ऑनलाइन फी पेमेंट 3rd September, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान वो है 3rd September, और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपको 4 सितंबर 11 PM तक का टाइम जो है वो गिवन है। ठीक है, और फिर उसके बाद CBT तो आपका नवंबर 2022 में बेस्ड है। तो जस्ट ये शॉर्ट सा वीडियो आप लोगों को बस इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए था कि फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो समय पे कर लीजिए, आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए। ऐसा मत करिए कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया और लास्ट में फिलअप करेंगे, दिक्कत जाती है इसमें। ठीक है, सर्वर का इशू जाता है तो क्यों इंतजार करना, अपने फ्यूचर के साथ इतना छोटा सा ब्लंडर, इतना छोटा सा केयरलेसनेस की वजह से इतना बड़ा ब्लंडर क्यों होने देना। ठीक है, तो बेस्ट वे में तैयारी करते रहिए। SSC JEE एग्जामिनेशन आपका टारगेट है और इस टारगेट के तरफ हर एक कदम जो आप रखेंगे सोच समझ के प्री प्लान्ड वे में पूरी तैयारी के साथ रखिएगा, बेस्ट रिजल्ट्स आएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।